अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएस एंड मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। डियर, जैसे कि आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 30 तक अप्लाइंग दी कंटिन्यूटी टेस्ट वाला जो पोर्शन था, हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या फिर यहाँ पे आई बटन पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। डियर, अगर आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.5 के ये जो यहाँ पे मंडल है, यहाँ पे लिखा हुआ लिमिट्स इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 36 तक कंप्लीट सॉल्व करूंगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 36 तक बेसिकली हमने करना क्या है। तो इन क्वेश्चंस में बेसिकली उसने जो ना यहां पे लिमिट दी हुई है, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, और हमने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, हमने जो है लिमिट इन फंक्शंस में पुट करनी है, लिमिट अप्लाई करवा के हमने देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि फंक्शन इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना वो होगा क्या, देखिए यहाँ पे ये आपके पास उसने दिए वो साइन इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे हम जो है पाई पुट करेंगे, एक्स अप्रोच कर रहा है पाई पे, पाई पुट करेंगे। अगर हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आता है, आंसर जीरो भी आ सकता है, आंसर माइनस में भी आ सकता है, आंसर प्लस में भी आ सकता है, अगर कोई आंसर आता है तो मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, हमें कोई ना कोई आंसर मिल रहा है, फंक्शन कंटिन्यूस है। लेकिन अगर हमारे पास आंसर अनडिफाइन हो जाता है, इन्फिनिटी में आंसर आएगा, तो फिर हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, तो यहां पे जो है ना वो आप लोग लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, ये हमारे पास यहां पर फंक्शन है, तो लिमिट अप्लाई करवाएं, जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर आप लोग पाई पुट करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करवाइए, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन। आप लोग जो है ना वो डिफरेंट जो है ना वो लिमिट अप्लाई करवा सकते हैं इस फंक्शन पे और इस पे, क्योंकि ये एक्स है और यहाँ भी एक्स मौजूद है, तो एक्स अप्रोच कर रहे हैं ना पाई पे, तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स मौजूद है, तो यहाँ पे डिफरेंट भी अप्लाई करवा सकते हैं, या फिर आप जो है ना वो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। तो पहले मैं ज़रा डिटेल से एक दो स्टेप एक्स्ट्रा करके आपको डिटेल से बताता हूँ, अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे भाई, लिमिट अप्लाई करवाते हैं दोनों पे डिफरेंट अलग अलग से, तो साइन जो है ना वो ऑलरेडी ये तो बाहर ही आ जाएगा, तो एक्स पे लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा भाई, ब्रैकेट में लिख ले लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाए, ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास माइनस है, फिर जो है ना वो लिमिट अप्लाई करवा दें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाए और ये आपके पास साइन एक्स। मैंने जो है ना इस पर अलग से लिमिट अप्लाई करवाई, इस पर अलग से लिमिट अप्लाई करवा दी, उसके बाद देखें भाई साइन, और यहाँ पे एक्स की जगह पे पाई पुट करें तो ये आ जाएगा पाई माइनस साइन एक्स के पुट करें तो ये बन जाएगा साइन पाई, आपके पास बन जाएगा। उसके बाद देखें फिर आपके पास साइन है, ये आपके पास पाई है, माइनस साइन पाई आपके पास उसकी वैल्यू जीरो होती है, तो ये माइनस जीरो आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा भाई साइन पाई, साइन पाई बचेगा, साइन पाई फिर आपके पास जीरो होता है, तो इसका आंसर आपके पास जीरो आ जाएगा। तो यही जो है ना वो इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि जीरो कोई ना कोई हमारे पास कोई पॉइंट है, तो मैंने आपको बोला था कि जीरो आए या पॉजिटिव है या माइनस में, कोई ना कोई अगर आंसर आता है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, फंक्शन कंटिन्यूस है। तो यहां पे लिखें सो लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट एक्स अप्रोचेस टू पाई पे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सो फंक्शन भी आपके पास कंटिन्यूस है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स अप्रोचेस टू, आपके पास यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू पाई। ये था क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसके जो है ना वो सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पे जो है ना वो देखें, यहाँ भी ये साइन वैसी है, पाई बाई टू भी वैसी है, कॉस भी वैसी है, ये टेन टी टी अप्रोच कर रहा है जीरो पे, तो यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करवाएंगे, टेन के साथ टी है तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करवाएंगे, टी की जगह पे जीरो पुट करेंगे, सिंपल है। देखें भाई इसको करके चेक करते हैं, तो ये जो है ना वो आप साइन और ये आपके पास पाई बाई टू और कॉस, ये तो एज इट इज ही आ जाएगा, यहाँ पे आप जो है ना वो लिमिट अप्लाई करवा देंगे फिर ब्रैकेट, और ये लिमिट अप्लाई करवा देंगे टेन टी अप्रोच कर रहा है जीरो पे, ये आपके पास टेन टी, ब्रैकेट बंद फिर ब्रैकेट बंद, तो ये आपके पास बन जाएगा भाई, ये एज इट इज आ जाएगा साइन पाई बाई टू कॉस, लिमिट अप्लाई करवाए तो ये टेन टी की जगह पे जीरो पुट करें तो ये बन जाएगा टेन जीरो, ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद ये आपके पास साइन
पाई बाई टू वैसे का वैसे ही, कॉस भी वैसे का वैसे ही, टेन जीरो जीरो ही होता है, आपको पता होना चाहिए टेन जीरो जीरो ही होता है। तो ये बन गया कॉस जीरो, कॉस जीरो वन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साइन इंटू पाई बाई टू, कॉस जीरो आपके पास वन होता तो यहाँ पे वन लिख लें, पाई बाई टू को वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो बन जाएगा साइन पाई बाई टू, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और साइन पाई बाई टू यानी कि साइन 90 क्या होता है, वन होता है, आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का अगर वैल्यूज़ का अगर नहीं पता, याद करना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मैंने दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को जो है ना वो आप लोग कैसे सेकंड्स में याद रख सकते हैं, यहाँ पे बटन पे भी आप उस वीडियो का आपको टाइटल शो हो रहा होगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। तो साइन पाई बाई टू ये इक्वल टू वन होता है, तो वन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कोई ना कोई पॉइंट हमें मिल रहा है लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो यहाँ पर लिखें बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट टी अप्रोचेस टू जीरो, टी अप्रोचेस टू जीरो, सो आपके पास जो है ना वो फंक्शन भी क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट टी अप्रोचेस टू जीरो। ये था क्वेश्चन नंबर 32। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, लिमिट वाई अप्रोच करता है वन पे, सीकेंड इंटू वाई सीकेंड स्केयर वाई माइनस टेन स्केयर वाई माइनस वन, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें सोल्यूशन की बात करते हैं, तो ये आपके पास मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट y अप्रोचेस टू वन, ये आपके पास सीकेंड वैसे का वैसे ही, ये भी आपके पास y सीकेंड स्केयर y, यहाँ से मैं ये भी माइनस है ये भी माइनस, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा भाई वन ये बन जाएगा प्लस टेन स्केयर y, ब्रैकेट यहाँ पे आप क्लोज कर दें, ये इसकी ब्रैकेट और ये इसकी ब्रैकेट। यहाँ पे मैंने जो ना वो माइनस कॉमन क्यों लिया, क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बनता है ना, तो माइनस मैंने कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि वन प्लस टेन स्केयर वाई इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर वाई, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वन प्लस टेन स्केयर वाई इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर वाई, ये फार्मूला इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लेके इसको तरतीब से लिखा, वन पहले लिख लिया, वन प्लस का हो गया क्योंकि बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज, वन प्लस टेन स्केयर वाई। तो यहाँ पे पुट करते हैं भाई, ये बन जाएगा आपके पास लिमिट वाई अप्रोच करता है वन पे, यहाँ पे लिखे सीकेंड इंटू वाई सीकेंड स्केयर वाई माइनस सीकेंड स्केयर वाई, क्योंकि वन प्लस टेन स्केयर वाई इक्वल सीकेंड स्केयर वाई, यहाँ भी सीकेंड स्केयर वाई मौजूद है, यहाँ भी सीकेंड स्केयर वाई मौजूद है, सीकेंड स्केयर वाई यहाँ पे कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे आपके पास बनेगा लिमिट वाई अप्रोचेस टू वन सीकेंड इंटू सीकेंड स्केयर वाई, मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे वाई बचा तो ये वाई माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज। अब सिंप्लीफाई मैंने इसको कर लिया, अब आप जो है लिमिट अप्लाई करवा दें, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ वहाँ पे वन पुट कर दें, तो ये बनेगा भाई सीकेंड इंटू सीकेंड सीकेंड जो है ना वो y आपके पास वन है, तो क्योंकि ऊपर स्केयर भी है तो यहाँ पे आप स्केयर भी लिखेंगे ऊपर, इस तरह स्केयर लिख लें ऊपर, उसके बाद ब्रैकेट में आपके पास फिर यहाँ पे क्या है भाई y माइनस वन, वाई वन है वन माइनस वन, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट क्लोज। देखें भाई यहाँ पे आपके पास उसके बाद क्या बनेगा, ये आपके पास सीकेंड है और सीकेंड जो है ना वो वन आपके पास वन नहीं होता, ये वन का स्केयर भी आपके पास वन नहीं होगा, वन माइनस वन यहाँ पे जीरो, तो ये देखें सीकेंड वन को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो बन गया, तो ये सीकेंड जीरो बन गया, सीकेंड जीरो आपके पास वन होता है, क्योंकि सीकेंड जो है ना वो कास का उल्टा है, कास जीरो वन और सीकेंड जीरो भी आपके पास वन नहीं है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, आप लिखेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पे लिखें, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, सो आपके पास फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट y अप्रोचेस टू वन के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 34 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखें टेन इंटू पाई बाई फोर कॉस इंटू साइन एक्स की पावर वन ओवर थ्री, यहाँ पे तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे जीरो पुट करेंगे, तो आप जो ना वो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करवा देते हैं, जो ना वो डायरेक्ट भी आप लिमिट अप्लाई यहाँ पे करवा सकते हैं, तो ये आपके पास टेन, ये आपके पास यहाँ पे पाई बाई फोर, ये आपके पास कॉस, क्योंकि साइन के साथ यहाँ पे एक्स मौजूद है तो एक्स पे लिमिट अप्लाई करवानी है ना, तो यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करवा दें, यहाँ पे ब्रैकेट डाल के लिमिट अप्लाई करा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ये आपके पास है साइन एक्स की पावर एक बटा तीन और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा भाई टेन इंटू पाई बाई फोर कॉस, यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो पुट करें तो ये यहाँ पे आपके पास बनेगा साइन, ये जीरो है और होल की पावर जो है ना साइन एक्स की पावर एक बटा तीन है, तो आप जो है ना वो होल की पावर एक बटा तीन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी जो है ना वो अगर आप चाहें
यहाँ पे भी ऊपर जाना, वो एक बटा तीन इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर भी, ये ब्रैकेट के ऊपर भी, ठीक है भाई। होल की पावर यहाँ पे एक बटा तीन है, इस तरह से आएगा, इस तरह से एक बटा तीन, यहाँ भी ऊपर आपके पास एक बटा तीन है और ब्रैकेट यहाँ पे कर दें क्लोज। उसके बाद टेन इंटू यहाँ पे पाई बाई फोर एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, कॉस भी वैसे आएगा, साइन जीरो जीरो ही होता है, जीरो की पावर एक बटा तीन भी जीरो ही होता है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगी। यहाँ पे देखें भाई टेन पाई बाई फोर कॉस जीरो वन, कॉस जीरो वन, तो ये आएगा भाई टेन पाई बाई फोर, टेन बाई पाई बाई फोर जाना बेसिकली पाई बाई फोर करें तो 45 डिग्री 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री क्या होता है भाई, वो होता है टेन 45 डिग्री वन होता है आई थिंक, हाँ जी। तो क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसलिए जो है ना वो फंक्शन भी आपके पास कंटिन्यूस है एट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पे। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं सिंस जो है ना वो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करती है, सो आपके पास फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अगर जो है ना वो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई मसला होता, कोई क्यूरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप कोशिश करेंगे आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, अबाउट में जाके आप चेक कर सकते हैं, तो आप लोग जो है ना वो क्वेश्चन से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड बातचीत कर सकते हैं, आपकी क्यूरी को सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा जो है ना वो सब्सक्राइब तो आपने जो है ना वो लाजमी करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। देखें भाई क्वेश्चन नंबर 35 लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो कॉस इनटू पाई ओवर 19 माइनस 3 सीकेंट 2 टी। तो यहाँ पे देखिए टी जो है ना वो सिर्फ यहाँ पे मौजूद है, हमने टी की जगह पे जीरो पुट करना है, तो यहाँ पे मौजूद आप डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट अप्लाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना वो लिखें लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे आपके पास जो है ना वो कॉस डायरेक्ट जो है ना वो लिमिट अप्लाई करवा देते हैं, इस तरह जो है ना वो बार बार हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये आपके पास यहाँ पे कॉस ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, पाई ऊपर आ जाएगा और बटे में आपके पास 19 माइनस 3 सीकेंट 2 टी है, तो यहाँ पे आप लोग लिमिट अप्लाई करवा दें, तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो है ना वो आप लोग लिमिट अप्लाई करवा दें, लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो, ये आपके पास है सीकेंट 2 टी ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे जो है ना वो स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी ऊपर। तो देखें भाई यहाँ पे कॉस ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आपके पास पाई मौजूद है और बटे में देखें 19 माइनस 3 लिमिट अप्लाई करवाएं, टी की जगह पे जीरो पुट करें, तो ये आपके पास बनेगा ब्रैकेट में लिख लें सीकेंट 2, टी की जगह पे जीरो पुट किया तो ये जीरो आ गया, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद कॉस ऊपर आपके पास पाई मौजूद है, बटे में आपके पास मौजूद है 19 माइनस 3 सीक, दो को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो सीकेंट 0 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सीकेंट 0 1 क्यों होता है, क्योंकि सीकेंट जो है ना वो कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस का उलट है, कॉस 0 1 तो सीकेंट 0 भी 1 नहीं होता है, तो सीकेंट 0 1, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा कॉस इंटू पाई बाय 19 माइनस 3, 19 माइनस 3 आपके पास यहाँ पे क्या होता है भाई, सॉरी जो है ना इस क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर रूट भी मौजूद है, स्क्वायर रूट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे स्क्वायर रूट मौजूद है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिख लें आप, उसके बाद यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आएगा, पाई ओवर 19 माइनस 3 16, तो 16 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट आपको पता है 4 होता है, तो ये आपके पास बन जाएगा भाई कॉस पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 यानी कि कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पे लिखें भाई 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये इसका फाइनल आंसर है। तो क्योंकि हमें कोई ना कोई पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, तो आप लिखेंगे भाई लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन भी आपके पास कंटिन्यूस है एट टी अप्रोचेस टू जीरो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। देखिए मैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 6, पाई बाई 6 जो है ना वो बेसिकली आपके पास होता है 30 डिग्री आई थिंक, पाई का मतलब 180 को 6 में डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 30 ही आएगा, 30 आएगा, तो x अप्रोचेस टू पाई बाई 6 को सीकेंट स्केयर एक्स प्लस 5 इंटू स्केयर रूट 3 टेन एक्स, ऊपर यहाँ पे उसने स्केयर रूट भी दिया हुआ है, तो जाना वो लिमिट अप्लाई करवा दे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे पाई बाई 6 जाना वो आप लोग पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा भाई, ये आपके पास है कोसिकेंट x की जगह पे पाई बाई 6 पुट करें, पाई बाई 6 क्योंकि ऊपर स्केयर भी है तो ऊपर यहाँ पे आप स्केयर लिख लें, उसके बाद प्लस 5 इंटू स्केयर रूट 3 आ जाएगा टेन, उसके साथ टेन के साथ x है, x आपके पास
पाई बाई सिक्स है जी। तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट अप्लाई करवा दी, ऊपर यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट मौजूद है। तो अब देखिए कोसेकेंट जो है ना वो पाई बाई सिक्स बेसिकली किसके इक्वल होता है। तो अगर आपको याद हो कि साइन जो है ना वो कोसेकेंट बेसिकली साइन का रेसिप्रोकल है, साइन का उलट है, यानी कि साइन पाई बाई सिक्स वो आपके पास बराबर होता है वन ओवर टू के। तो अगर साइन पाई बाई सिक्स वन ओवर टू के बराबर होता है तो उसका उल्ट कर दें वो बन जाता है कोसेकेंट। तो इसका उल्ट क्या होगा फिर, टू का उल्ट होगा, वन ओवर टू का उल्ट टू होगा, यानी कि फिर इसकी वैल्यू कोसेकेंट पाई बाई सिक्स की वैल्यू होगी टू। ठीक है भाई, तो यहाँ पे टू पुट कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखें भाई, मैंने टू पुट किया तो ये मान जाएगा टू का ऊपर स्केयर भी है, टू का स्केयर प्लस फाइव इंटू स्केयर रूट थ्री। टेन पाई बाई सिक्स यानी कि टेन थर्टी डिग्री वो होता है वन ओवर स्केयर रूट थ्री, वन ओवर स्केयर रूट थ्री। ये वैल्यूज आप टेबल से जाके देख सकते हैं, टेबल आपको याद होना चाहिए। टू का स्केयर फोर प्लस स्केयर रूट थ्री, स्केयर रूट थ्री से कैंसिल फाइव, इसका स्केयर रूट फाइव प्लस फोर नाइन, तो नाइन का स्केयर रूट बन जाएगा, नाइन का स्केयर रूट आपके पास इक्वल होता है थ्री के। तो क्योंकि मैं कोई ना कोई वैल्यू मिल गई है, इसका मतलब कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन भी कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे लिखें सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट, यहाँ पे लिखें एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई सिक्स। ये था हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, सिंपल थे, इजी थे। अगर आपको लेक्चर का एक पॉइंट भी अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सपोर्ट करें, आप लाइक करें, आप कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट करें, हमारा भी जो है ना वो दिल करता आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेके आएँ, क्योंकि वीडियोज़ जो है ना वो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।